एमपी के समक्ष पीएस इंडिया स्कूल में आज आर्ट स्पोर्ट्स कार्यक्रम रखा गया, जहां पर बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया, साथ में पेरेंट्स ने भी उनका मनोबल बढ़ाया। क्या कुछ कहती है टीचर, आइए जानते हैं। क्या कुछ खास था आज के प्रोग्राम में, काफी बच्चे यहाँ आए हुए थे। आज के प्रोग्राम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ईपीएस इंडिया का पहला स्पोर्ट्स डे है, जो कि हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, और पेरेंट्स के एफर्ट को देखकर बहुत खुशी हो रही है कि पेरेंट्स हमारे साथ इस तरह से, इतनी अच्छी तरीके से पेरेंट्स हमारा साथ दे रहे हैं। इसके लिए हमें बहुत खुशी है, और हम अपने पेरेंट्स से हमेशा इसी तरह के साथ की उम्मीद चाहेंगे। टीचर्स ही एक ऐसी उम्मीद होती है जो आगे की मुकाम की तैयारी करवाती है। वही कहीं ना कहीं हमने देखा कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्सुक नज़र आ रहे थे, कहीं ना कहीं पेरेंट्स नज़र आ रहे थे। कितना सहयोग था टीचर्स का इस पर? पूरी तरह से एक स्कूल को चलाने में जो सबसे अहम रोल प्ले करते हैं वो बच्चे हैं और उन बच्चों के टीचर्स हैं। यहाँ पे हमने देखा फ्रॉग जंप हुआ या फिर रेस हुआ, बच्चे उसमें काफ़ी अच्छी तैयारियाँ कर रखी थी। कितने आप लोगों ने तैयारी की, इसके पीछे कितनी मेहनत थी आप लोगों की? पिछले महीनों से इसकी तैयारी कराई जा रही थी, और हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से एफर्ट लगाया और बच्चों को तैयार किया। इसके लिए मैं अपने सारे टीचर्स को थैंक्स कहूँगी। अपना परिचय दे दीजिए। मैं आफरीन आज़ाद, ईपीएस इंडिया की एकेडमिक इंचार्ज। एक्चुअली ये प्रोग्राम है ईपीएस इंडिया, जो प्री स्कूल है प्ले स्कूल, उसका फर्स्ट स्पोर्ट्स डे कॉम्पिटिशन है, जो कि आज हम लोग ने मिली हॉल में ऑर्गेनाइज़ किया, जो कि हिंपड़ी में स्थित है, हिंपड़ी रांची झारखंड जी। यहाँ पे कितने साल तक के बच्चों ने भाग लिया? यहाँ पे एकदम बेबी प्री नर्सरी, जो कि आपके 2.5 से 3 साल के बच्चे हैं, फिर प्री नर्सरी, नर्सरी, केजी प्रेप एंड वन। किन चीज़ों की फैसिलिटीज दी जाती है ये स्कूल में? ग्रॉस मोटर स्किल्स का खास ध्यान रखा जाता है, और कंप्लीट प्ले बेस्ड है, रीड राइट एंड प्ले, एंड सिर्फ थ्योरी बेस्ड नहीं है जैसे बाकी स्कूल्स है, कि ये बाकी स्कूल्स थ्योरी बेस्ड ही बिलीव करती है। हमारे स्कूल सिर्फ थ्योरी में बिलीव नहीं करता है, बच्चों को थ्योरीज के साथ, प्ले के साथ एक्स्ट्रा करिकुलम भी दिया जाता है, इंक्लूडिंग एबेकस मकतब। हमारा एक और नया इसमें एडेड है, लाइक इस्लामिक एथिक्स, इस्लामिक एजुकेशन हम लोगों ने ऐड किया है जी। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शारिक अब्रार हुआ, मैं बाय प्रोफेशन बीटेक ग्रेजुएट हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, एंड मैं डायरेक्टर हूँ ईपीएस इंडिया का। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।